Hey guys, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्सी पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं MCO 21 क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है इस टॉपिक का एडवांटेज, मतलब क्वांटिटेटिव अप्रोच टू मैनेजमेंट जो होता है उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ये हमारा आज के लेक्चर का टॉपिक है। तो आई होप कि आपको वीडियो काफी पसंद आएगा। लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे इस टॉपिक के साथ, जो कि है एडवांटेजेस ऑफ क्वांटिटेटिव अप्रोच टू मैनेजमेंट। ठीक है, देन स्टार्ट करते हैं। सो एज यू कैन सी द हेडिंग, इट इज एग्जीक्यूटिव्स एट ऑल लेवल्स इन द बिजनेस एंड इंडस्ट्री कम अक्रॉस द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डिसीजन एट एवरी स्टेज इन देयर डे टू डे एक्टिविटीज। ठीक है ना, जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस में एक चीज बहुत ही कॉमन होता है, डिसीजंस लेना। ठीक है, आपको दिन भर में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगे जो कि बहुत ही यूनिक किस्म के होंगे, बहुत ही फ्रीक्वेंट आएंगे, जिनके ऊपर आपको डिसीजन लेना होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये जो डिसीजंस आप लोगे, ये सारे डिसीजंस को लेने के लिए आप चाहते हो कि इसके डिसीजन के पीछे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग बेस रहे जिसके बेसिस पे मैं डिसीजन ले सकूं। ठीक है ना, अब ये बेस आपको कौन तैयार करके देगा? ऐसे ही कोई भी डिसीजन ले लेने से आपका बिजनेस चल पड़ेगा, चलेगा, ऐसी ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। तो उसके लिए लोग कोशिश करते हैं कि जो जो कंपनी का जो बिजनेस जो जो उसका परफॉर्मेंस है लास्ट फ्यू मंथ्स में या फ्यू ईयर्स में, उसके बेसिस में कुछ अगर मेजर डिसीजन लेना है तो उसके बेसिस पे लिया जाए, है ना। तो जो डेटा होता है, जो जो प्रीवियस डेटा होता है, उसके बेसिस पे लोग डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो नाम है क्वांटिटेटिव अप्रोच, है ना, कि मैनेजमेंट में जब आप डिसीजन ले रहे हो या फिर कोई भी बड़ा जब आप कोई स्टेप लेने जा रहे हो तो जो आपका अप्रोच है वो क्वांटिटेटिव होना चाहिए। जो क्वांटिटी आपको शो कर रहा है, जो डेटा आपके पास अवेलेबल है क्वांटिटेटिव वे में, है ना, उसके बेसिस पे आप कोई ना कोई डिसीजन लो जो कि आपकी कंपनी के लिए फ्रूटफुल हो, आगे जाकर के आपकी कंपनी बड़ी हो, आप अपना बिजनेस और एक्सपैंड कर सको। ठीक है ना, वही बात यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है कि डे टू डे एक्टिविटीज को भी करने के लिए जो मैनेजर्स होते हैं उनको जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस लेने होते हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स प्रोवाइड द एग्जीक्यूटिव विद साइंटिफिक बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड इनहेंस हिज एबिलिटी टू मैटर लॉन्ग रेंज प्लान्स एंड टू सॉल्व एवरीडे प्रॉब्लम्स ऑफ रनिंग अ बिजनेस एंड इंडस्ट्री विद ग्रेटर एफिशिएंसी एंड कॉन्फिडेंस। सही बात है, आप अगर बिना किसी बेस के अगर आप कोई कोई डिसीजन लेते हो तो आपका डिसीजन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। बट आपके पास अगर पुराना डेटा अवेलेबल है, पुराने आपके पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, रिपोर्ट्स अवेलेबल है, तो उसके बेसिस पर जब आप डिसीजन लोगे तो वो आपका डिसीजन बहुत हद तक साइंटिफिक होगा, बहुत हद तक साइंटिफिक बेसिस पे होगा कि आपके गलत होने की गुंजाइश जो है बहुत हद तक कम हो जाएगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो 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 डिसीजन होगा, जो जो डिसीजन मेकिंग होगी वो बहुत ही साइंटिफिक बेसिस पे होगी और इससे आपकी जो एबिलिटी है वो भी बढ़ती है ना। बीइंग अ मैनेजर, एज अ मैनेजर मेरी क्या कोशिश रहेगी कि मैं सही डिसीजन लूँ, और सही डिसीजन लेने के लिए मैं ऐसे ही तो नहीं ले सकता ना, जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स होंगे मैं उन्हीं को फॉलो करूंगा, मैं उनको देखूंगा कि हमारा ये प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, इसके ऊपर क्या मुझे करना चाहिए। सीजनल में अगर कोई चेंजेस हो रही है तो सीजन के अकॉर्डिंग हमें भी चेंज करना होगा अपने स्ट्रेटेजी अपने प्लानिंग में। तो ये सारे डिसीजंस तो होते हैं वो प्रीवियस डेटा के ऊपर ही एक तरीके से डिपेंडेंट होते हैं। तो लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में भी जब आपको एज अ मैनेजर जब आपको स्टैब्लिश होना होता है या खुद को प्रूव करना होता है तो आप डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, और ये डिसीजन जो है ये इसी बेसिस पे होता है। तो अल्टीमेटली ये आपकी जो एबिलिटी है, जो आपका जो एक तरीके से काम करने का तरीका है, ये उसको भी इनहेंस करता है जो क्वांटिटेटिव अप्रोच है ना। डे टू डे प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने बताया, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेट अस लुक एट सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि डेटा का मतलब ही है स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स, स्टैट्स का मतलब होता है डेटा। आपके पास डेटा है डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल, उसको आपने एक जगह पर रखा तो दोज आर योर स्टैट्स। अब उस डेटा को एक तरीके से प्रोसेसिंग होती है उसकी, उस डेटा के फिर रिजल्ट निकाले आते हैं, फिर उसके बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स को करने के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, स्टैट्स को प्रोसेस करने के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब उन मेथड्स में बहुत सारे मेथड्स हैं बट उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात ये हो रही है कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ठीक है ना। ये क्वांटिफिकेशन वाला ही है, स्टैटिस्टिक्स को प्रोसेसिंग करने का मतलब है क्वांटिटेटिव अप्रोच, क्वांटिफिकेशन, ठीक है ना। तो ये जो हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे मैनेजमेंट के डिसीजन में, मैनेजमेंट अप्रोच में, इसमें क्या क्या हमारे फायदे होने वाले हैं। सबसे पहला फायदा है डेफिनेटनेस, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स हेल्प अस इन प्रेजेंटिंग जनरल स्टेटमेंट्स इन प्रिसाइज एंड डेफिनेट फॉर्म, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है कि जब हम किसी डेटा को
रिप्रेजेंट करें किसी के सामने, प्रेजेंट करें किसी के सामने, तो हम उसको बहुत ही प्रिसाइज वे में, बहुत ही डेफिनेट फॉर्म में करें। अब कोई डेटा सपोज मैंने लेकर के आया, रॉ डेटा में लेकर के आया, उस डेटा को पढ़ करके आपको समझ में नहीं आएगा कि वो क्या है, बट अगर मैं उसकी प्रोसेसिंग अच्छे तरीके से करूँ, स्टेटिस्टिकल मैथड्स का इस्तेमाल करूँ, तो मैं उससे रिजल्ट निकाल करके रख सकता हूँ जो कि ज्यादा मीनिंगफुल होगा मैनेजमेंट के लिए। तो मैनेजमेंट आपके पूरे डेटा को चेक नहीं करता, मैनेजमेंट डेटा से जो आउटकम निकलता है उसको चेक करता है, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिक्स हमें इस मामले में हेल्प करता है कि वो डेटा को बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही डेफिनेट फॉर्म में तैयार कर देता है, जो कि मैनेजमेंट के लिए या फिर किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो कि उस डेटा को समझना चाहता है वो आसान हो जाता है उसके लिए, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स कन्वेड न्यूमेरिकली आर मोर प्रिसाइज एंड कन्विंसिंग देन दोज स्टेटेड क्वालिटेटिवली, है ना। तो किसी डेटा को अगर आप क्वालिटी के तरीके से बताना चाहो कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है वगैरह वगैरह, आप उसको अगर न्यूमेरिकली नहीं समझाओ, क्वांटिफिकेशनली नहीं समझाओ, क्वांटिफाई करके नहीं समझाओ, मतलब नंबर्स को लिख करके अगर नहीं बताओगे, तो वो सामने वाले बंदे को कन्विंस नहीं कर पाएगा, वो उसको समझ में नहीं आएगा, है ना। देखो क्वालिटी हर मामले में अच्छा होता है, नो डाउट, बट अभी भी लोग क्वांटिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि उनको नंबर दिखते हैं, नंबर उनकी आंखों से दिखते हैं कि भाई 1 रुपए के बदले, का ज्यादा छोटा अमाउंट हो गया, 100 रुपए के बदले मुझे 4 चॉकलेट मिल रहे हैं। क्वालिटी डजेंट मैटर, ये मैटर करता है, बट बहुत सारे लोगों के लिए, या फिर जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं सोचते हैं या ज्यादा दूर का नहीं सोचते हैं, उनके लिए जो क्वांटिटी होती है वो मैटर करती है, वो आंखों से दिखती है कि भाई इसके बदले मुझे 4 मिल रहे हैं। उनका ध्यान इस बात पे नहीं जाएगा कि 100 रुपए के बदले 1 ही चॉकलेट ले लो, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो क्वालिटी वाला चीज जो है लोगों के ध्यान में नहीं जाता, क्वांटिटी वाला जाता है। वही बात यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, कि न्यूमेरिकली जब किसी चीज को आप दिखाने की कोशिश करते हो तो वो ज्यादा कन्विंसिंग होता है, लोग उसको ज्यादा इजिली समझ पाते हैं, बट क्वालिटेटिवली अगर किसी का अगर आप तारीफ करोगे, समझाओगे, तो फिर उसको समझ में नहीं आने वाली, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल द स्टेटमेंट दैट लिटरेसी रेट एज पर 1981 सेंसस वाज 36% कंपेयर टू 29% ऑफ द 1971 सेंसस इज मोर कन्विंसिंग देन स्टेटिंग सिंपली दैट लिटरेसी इन आवर कंट्री हैज इंक्रीज्ड। अभी कितना मतलब इजी तरीके से समझाने की कोशिश की गई है कि 1981 में जो 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 हमारा लिटरेसी रेट है वो 36% है, 1971 में 29% था, राइट, 7% का इजाफा हो गया। तो जब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि 36% अभी है, पहले 29% था, तो लोगों को समझ में आ रहा है। पर अगर मैं ये बात बोलूँ कि लिटरेसी जो है हमारे इंडिया में बढ़ी है, अरे भाई बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है, समझ में तो नहीं आ रहा ना। तो यहाँ पे डेफिनेटनेस नहीं है, यहाँ पे क्लियर कट एक इंडिकेशन नहीं है कि क्या एक्चुअल में हो रहा है, आप बस समझा रहे हो, ठीक है। तो जब आप डेटा के जरिए समझाने की कोशिश करते हो तो वो ज्यादा कन्विंसिंग होता है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगला है कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन का मतलब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक तरीके से गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस, जो तीनों मैटर एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो एक तरीके से कंडेंसेशन कहलाता है। यहाँ पे मैनेजेरियल जो चीजें हैं उसमें कंडेंसेशन का मतलब होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उसको सही तरीके से, मतलब यू नो सिंप्लीफाई करके किसी के सामने रिप्रेजेंट करना, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट कंडेंसेशन इज। सो द न्यू आइडिया इज ऑफन अनवाइडली एंड कॉम्प्लेक्स, जो नया आइडिया होता है वो बहुत ही अनविल्डली एंड कॉम्प्लेक्स होता है। द पर्पस ऑफ स्टैटिस्टिकल मैथड इज टू सिंप्लीफाई लार्ज मास ऑफ डेटा एंड टू प्रेजेंट अ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम, है ना। स्टैटिस्टिकल मैथड का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि आप लार्ज जो डेटा है आपके पास आप उसको सिंप्लीफाई कर सको और बहुत ही मीनिंगफुल तरीके से सामने वाले बंदे के सामने रख सको। एंड दिस इज द प्रोसेस विच इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है ना। लार्ज डेटा को सिंप्लीफाई करके यू नो उनके सामने रखना ताकि वो उसको ठीक तरीके से समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल इट इज डिफिकल्ट टू प्रिसाइज आइडिया अबाउट द इनकम ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम द डेटा ऑफ इंडिविजुअल इनकम इन द कंट्री, है ना। अब अगर मुझे ये पता करना रहे कि इंडिया में यू नो जो पर कैपिटा इनकम हम बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम से ये पता चलता है कि हर एक आदमी का तकरीबन एवरेज इनकम इंडिया में क्या है, राइट। पर अगर मुझे ये पता करना रहे और मैं हर एक आदमी के पास जाकर के उसकी सैलरी का स्ट्रक्चर पूछूं कि उसको कितनी सैलरी मिलती है, साल भर की उसकी कमाई कितनी है, तो बहुत हद तक यू नो इसमें डिस्क्रिपेंसी होगी, बहुत हद तक इसमें ऊपर नीचे होगा, किसी की बहुत ज्यादा होगी, किसी का बहुत कम होगा। तो इस तरीके से आप डेटा को ना ठीक तरीके से बता नहीं पाओगे कि जो जो इनकम है, जो एवरेज इनकम है, वो एवरेज इंडियन की कितनी है, एक इंडियन की एवरेज इनकम कितनी है, आप ये नहीं बता सकते, है ना। तो यहाँ पे दिक्कत होगा। तो यहाँ पे कंडेंसेशन एक तरीके से काम आता है कि आप जो डेटा आपके पास आया है उसको आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हो विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड, जहां पे आप पर कैपिटा इनकम निकाल पाते हो, आप पर कैपिटा इनकम निकाल पाते हो, आप ये पता कर पाते हो कि एक बंदे की जो एवरेज इनकम है वो कितनी है ना। तो कंडेंसेशन इज लाइक दैट, द डेटा विल बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड मोर प्रिसाइजली इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पर कैपिटा
इनकम, ठीक है। कंपैरिजन की बात करेंगे, हाँ, तो ये जो हमारा एडवांटेज ऑफ क्वांटिटेटिव अप्रोच है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कंपैरिजन वाला, ठीक है ना, कि आप डेटा को कंपेयर कर सकते हो। आप कंपैरिजन, आपके पास अगर डेटा अवेलेबल नहीं होगा आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। आप डेटा को जब तक क्वांटिफिकेशनली लिखोगे नहीं कि सपोज इस साल हमारा जो प्रॉफिट है वो 100 करोड़ का है, नेक्स्ट ईयर हमारा 150 करोड़ का है, भाई तो इसी के बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे ना, कि इसका उसके साथ कंपैरिजन किस बेसिस पे करेंगे। 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, ये कंपैरिजन कैसे हो रहा है? ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मुझे पता है कि इस साल 150 है, पिछले साल 100 था, इसका मतलब 50% इस साल ज्यादा हुआ है प्रॉफिट, है ना, जो रेवेन्यू है वो बढ़ी है। तो इस ये कंपैरिजन हम कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ मैनेजरियल डिसीजन, है ना। सो अकॉर्डिंग टू बॉडिंग, द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक इज टू एनेबल द कंपैरिजन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट रिजल्ट विद अ व्यू टू एसरटेनिंग द रीजंस फॉर चेंज व्हिच हैव टेकन प्लेस एंड द इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस इन द फ्यूचर, है ना। सो अकॉर्डिंग टू बॉडिंग, नाम याद रखना जरूरी नहीं है, तो उनके हिसाब से ये कहा जाता है, और इन जनरल भी ये बात बहुत ही कॉमन है कि अगर आपको ये पता करना है कि आपके बिजनेस ने ग्रो करा, उसको ग्रो करने के पीछे रीजन क्या है, रीजन आप कैसे पता करोगे जब तक आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, तो कंपैरिजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत जरूरी होता है, स्टैटिस्टिक्स हमें एनेबल करता है कि हम पास्ट और प्रेजेंट डेटा को एक तरीके से कंपेयर कर सकें, और वो कंपैरिजन हम इसलिए करेंगे ताकि हम जो रीजन फॉर चेंज है वो हम निकाल सकें। सपोज हमारी बिजनेस ठीक तरीके से चल नहीं रही है, ठीक है, डाउनग्रेड हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो आप क्या करोगे? आप पता करने की कोशिश करोगे ना कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो सिर्फ पता करने की कोशिश कैसे करोगे? अब वो आज के लिए आप डेटा चेक करोगे, है ना। वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि ये कंपैरिजन में हेल्प करता है हमारा स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। दस इफ वन वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट अप्रिशिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ फिगर्स देन ही मस्ट कंपेयर देम विद अदर ऑफ द सेम काइंड, है ना। अब डेटा जो है देखो सेम काइंड का होना चाहिए, एक डेटा को हम दूसरे डेटा से कंपेयर तभी कर पाएंगे जब दोनों सेम नेचर का होगा, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन का होगा, डिफरेंट डिफरेंट चीजों का होगा, तो उसको कंपेयर हम कर ही नहीं सकते, है ना। फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट पर कैपिटा इनकम हैज इंक्रीज कंसिडरेबली शैल नॉट बी मीनिंगफुल अनलेस सम कंपैरिजन ऑफ फिगर्स ऑफ पास्ट इज मेड। दिस विल हेल्प इन ड्रॉइंग कंक्लूजंस एज टू वेदर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया इज इम्प्रूविंग और नॉट, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम हमें जो पता चल रहा है कि भाई बढ़ा है ना, ये बढ़ा है, ये तो हमें समझ में आ रहा है, पर क्या उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा है, ये आप कैसे पता करो? देखो एक टाइम पे रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले बहुत ज्यादा हुआ करती थी, अभी धीरे धीरे गिर रही है, 78 रुपीज के आसपास अभी था, ठीक है ना। तो हमारा पर कैपिटा इनकम बहुत ही क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन उसकी वैल्यू डॉलर के मुकाबले अगर कम है, मतलब सपोज 100 रुपए में हम जो सामान 1971 में खरीद सकते थे, अभी उस सामान को खरीदने के लिए सपोज मुझे 1,000 रुपए पे करने पड़ रहे हैं, है ना। तो पर कैपिटा इनकम भी मेरा बढ़ा है, लेकिन एक्सपेंसेस भी तो एट द सेम टाइम बढ़ गया ना, रुपए की वैल्यू तो गिर गई, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ के भी तो मेरा कुछ फायदा नहीं हुआ। मैं पहले 100 रुपए पे कर रहा था, अभी 1,000 रुपए पे कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा टेक्निकल हो जा रहा है इसको, मैंने तो किसी और दिन समझा दूंगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे सिंपली ये बताने की कोशिश की जा रही है कि दो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो सिचुएशन सेम होना चाहिए, डेटा सेम होना चाहिए, अगर आप अलग अलग चीजों को कंपेयर करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे तो वो मीनिंगफुल नहीं निकलेगा, ठीक है, वो डेटा जो है सही नहीं निकलेगा। क्योंकि सपोज 1951 के सिचुएशन को हम अगर अभी के सिचुएशन के साथ कंपेयर करके देखें तो पॉसिबल नहीं है सही डेटा निकाल पाना, क्योंकि उस टाइम का सिचुएशन अलग था, उस टाइम पे हमारे पास कुछ भी नहीं होता था, उस टाइम पे हमारी कोई वैल्यू नहीं थी, पर अभी वैल्यू है क्योंकि हम लोगों ने बनाई है। तो मेन बात यही है कि दोनों का सिचुएशन अलग था, मैं 1951 को अभी के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, फिर भी लोग करते हैं कि पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, लेकिन साथ ही साथ आपकी एक्सपेंसेस भी तो बढ़ी है ना, तो ये चीज भी समझना जरूरी है। तो जो डेटा है वो मीनिंगफुल तभी होगा जब आप कंपैरिजन भी सेम तरह के डेटा के बीच में करोगे, अगर आप इधर उधर का कंपैरिजन करोगे तो दिक्कत होगी। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। तो क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट अगर आप रहेगा तो आप पॉलिसीज को भी ठीक तरीके से फॉर्म कर सकते हो, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड द बेसिक मटेरियल फॉर फ्रेमिंग पॉलिसीज नॉट ओनली इन बिजनेस बट इन अदर फील्ड्स ऑल्सो, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो एक तरीके से आपको मटेरियल प्रोवाइड करता है, जिसके बेस मटेरियल मतलब डेटा प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे आप पॉलिसीज को तैयार करोगे। आपके बिजनेस की नेक्स्ट ईयर की पॉलिसी क्या होगी, नेक्स्ट ईयर के लिए आपके बिजनेस का क्या स्ट्रेटेजी होगा, ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी जो होती है एक साइंटिफिक मेथड के तहत चलती है। और वो साइंटिफिक मेथड यही है कि जो पुराना डेटा है उसको एक तरीके से सॉल्व किया जाए, प्रिडिक्ट किया जाए, फॉरकास्ट किया जाए कि किस तरीके से काम करेगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पॉलिसी को तैयार करते हो।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेटा ऑन बर्थ एंड मोर्टेलिटी रेट नॉट ओनली हेल्प इन असेसिंग फ्यूचर ग्रोथ इन पॉपुलेशन बट ऑल्सो प्रोवाइड नेसेसरी टू डेटा फॉर फ्रेमिंग अ स्कीम ऑफ फैमिली प्लानिंग। ये तो बहुत ही एक तरीके से एग्जाम्पल दे दिया गया। आपने सुना होगा कि आने वाले समय में इंडिया जो है वर्ल्ड्स यंगेस्ट कंट्री अभी भी है हम लोग, बट आने वाले समय में और भी ज्यादा होंगे। ये कैसे हम बोल पा रहे हैं? ये हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो बर्थ रेट है वो ज्यादा है जो मोर्टेलिटी रेट है उससे, है ना। मोर्टेलिटी रेट मतलब एक तरीके से जो डेथ रेट होती है, डेथ रेट कम है और बच्चों का जन्म जो है वो ज्यादा हो रहा है ना। तो जो यंगेस्ट है वो तो अभी भी है, बट आने वाले समय में जो यंगेस्ट पॉपुलेशन होगी इंडिया की वो और भी ज्यादा होगी। तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं ना कि इंडिया के टाइम पे, एक टाइम पे मतलब आने वाले समय में 2050 तक या फिर किसी भी टाइम तक, इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही यंग होगा। यहाँ पे बहुत अच्छा चांसेस होगा बिजनेसेस के ग्रो करने का, इसलिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ब्ला 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 बहुत सारी चीजें निकल करके आती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो प्रोडक्शन हो रहा है कि 2050 तक ऐसा हो जाएगा, वो किस बेसिस पे हो रहा है? वो हो रहा है डेटा के बेसिस पे, और उसी बेसिस पे आप अपनी पॉलिसी को तैयार कर रहे हो। गवर्नमेंट उसके बेसिस पे पॉलिसी तैयार करेगी। सपोज गवर्नमेंट को लगा कि इतनी जो पॉपुलेशन है वो सही नहीं होगा हमारे लिए, तो गवर्नमेंट यहाँ पे हम दो हमारे दो वाला पॉलिसी अभी चल रहा था, हो सकता है कि हम दो हमारे एक वाली पॉलिसी कर दे, जैसा कि चाइना में हुआ। हालांकि उसका एडवर्स इफेक्ट अभी देखने को मिलता है कि लोगों को आदत हो गया है कि वो ज्यादा बच्चे लेना नहीं चाहते, और वहां पे पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी यंगेस्ट पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए वो ग्रोइंग कंट्री एक तरीके से डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में है देखा जाए तो। बट आने वाले समय में वो वापस अंडर डेवलप या फिर एक तरीके से जो उसका डेवलपमेंट का जो स्पीड है वो घट जाएगा। वो इसलिए घट जाएगा क्योंकि यंगेस्ट पॉपुलेशन वहाँ, जो यंगर लोगों की पॉपुलेशन है वो कम है या हो जाएगी आने वाले समय में। तो इंडिया के पास बहुत ही एक तरीके से एडवांटेज होगा कि हम चाइना को या फिर अदर कंट्रीज के साथ कम्पीट कर सके, लेकिन ज्यादा पॉपुलेशन होने के नुकसान भी है ना। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट जो है फैमिली प्लानिंग करती है और उसी को इम्प्लीमेंट करवाती है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक एडवांटेज है जो कि हमें मिलता है विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव अप्रोच टू मैनेजमेंट, है ना। यहाँ तो थोड़ा सोशली हो गया बट मैनेजमेंट में भी ये बहुत हेल्प होता है। नाउ फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस इज द सिक्स्थ पॉइंट। स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस और अजम्पशंस और स्टेटमेंट और टू डेवलप न्यू थ्योरीज। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है जो नए हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक तरीके से हमारी अवधारणा कि किस चीज के बारे में हम क्या सोचते हैं। अब जो हम वो जो सोच रहे हैं कि वो चीज वैसी है, वो सही है या नहीं है, उसके लिए हम उसको टेस्टिंग करते हैं, उसको कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस मतलब आपके ख्याल कि भाई ये है। ठीक है, जब हम रिसर्च करते हैं ना, तो रिसर्च में एक रिसर्च प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम ही हाइपोथेसिस होता है कि हम ये सोचते हैं कि ऐसा होगा। अब अगर ऐसा होगा तो मेरी बात सही है या गलत है, उसको लेकर के हम अपना टेस्टिंग करते हैं। नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, बहुत तरह की चीजें वहां पे हैं, बहुत टेक्निकल हो जाएगा, उसमें नहीं घुस रहा मैं। तो हाइपोथेसिस का मतलब वो होता है, ठीक है ना। तो जो हमारी हाइपोथेसिस होती है उसको फॉर्मुलेट करना, उसके बेसिस पे अजम्पशंस क्रिएट करना, स्टेटमेंट्स तैयार करना, नई थ्योरीज तैयार करना, ये सारी की सारी चीजें जो है विद द हेल्प ऑफ क्वांटिफिकेशन ऑफ डेटा इन मैनेजमेंट ये पॉसिबल है, और ये हेल्प भी करता है मैनेजमेंट को, है ना। क्योंकि रिसर्च का बहुत फायदा होता है, अगर हमें रिसर्च करके कोई चीज पहले से पता चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम कोई पॉलिसी तैयार कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये हेल्प होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेसिस वेदर एन स्टूडेंट हैज बेनिफिटेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मेथड। ठीक है, तो मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब है लैंग्वेज, कि किस लैंग्वेज में आप उसको पढ़ा रहे हो। तो एक स्टूडेंट को आप हिंदी में पढ़ा रहे हो उससे ज्यादा फायदा हो रहा है, या तो एक स्टूडेंट को इंग्लिश में पढ़ा रहे हो उससे ज्यादा फायदा हो रहा है। अब आपने सपोज हाइपोथेसिस बना लिया, सोच लिया कि फायदा जो है हिंदी में पढ़ाने से, मातृभाषा में पढ़ाने से उनको ज्यादा फायदा हो रहा है। अब ये जो बात आपने बोली, ये बात आपकी सही है या नहीं है, इसको प्रूव करने के लिए आप टेस्ट करोगे। दैट इज व्हाट हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज, है ना। अब इसको टेस्ट करने के जो आपके स्टैटिस्टिकल मेथड है वो आपकी आपकी हेल्प करते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रिडिक्शन। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव अप्रोच हमें प्रिडिक्शन लेने, प्रिडिक्शन करने में भी बहुत हद तक हेल्प करता है। तो फॉर फ्रेमिंग सूटेबल पॉलिसीज और प्लान्स एंड देन फॉर इम्प्लीमेंटेशन इट इज नेसेसरी टू हैव द नॉलेज ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स, है ना। तो हमें फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम फ्यूचर की कोई पॉलिसी बनाना चाह रहे हैं। जितने भी पॉलिसी एंड प्लान्स बनती है वो फ्यूचर को ध्यान में रख करके बनती है। तो अभी क्या ट्रेंड चल रहा है और इन फ्यूचर में क्या ट्रेंड चलेगा, इसको प्रिडिक्ट करने के बाद आपको अपनी पॉलिसी आप बनाते हो, इसको आप प्रिडिक्शन करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रिडिक्शन में भी हेल्प करता है आपका क्वांटिटेटिव डेटा। स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर हाईली यूजफुल फॉर फॉरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है, फॉर अ बिजनेसमैन टू डिसाइड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ एन आइटम शुड बी प्रोड्यूस इन द करेंट ईयर, इट इज नेसेसरी फॉर हिम टू एनालाइज द सेल्स डेटा फ्रॉम द पास्ट ईयर। सिंपल सी बात है, लास्ट ईयर सपोज मैंने किसी डिवाइस के 1 लाख यूनिट्स बेचे हैं, बिके हैं। एप्पल का एग्जाम्पल ले लो, इंडिया में एप्पल तकरीबन 1 साल में अच्छे खासे, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, पर बहुत ही अच्छे खासे नंबर के फोन जो है वो बेच देता है, नंबर मतलब 1 लाख 2 लाख यूनिट्स वो बेच देता है। तो जब उनको पता रहेगा कि भाई लास्ट ईयर 1 लाख 2 लाख बचा था, तो नेक्स्ट ईयर वो लोग क्या करेंगे, 1 लाख 2 लाख तो बनाएंगे ही, प्लस 20% 30% एक्स्ट्रा मोबाइल फोन वो बना करके रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होंगे, अपनी उनकी इनकम बढ़ेगी और लोग यू नो एक तरीके से लाविशनेस और एप्पल को लाइक लेना चाहते हैं, एप्पल खरीदना चाहते हैं, पैसे आते हैं तो लोग एप्पल खरीदना चाहते हैं। तो उनको पता है कि 20% 30% का इंक्रीज जो है उनके सेल में हो सकता है, तो वो लोग 20% 30% ज्यादा फोन्स का जो है यूनिट्स जो है वो इंडिया में बना करके भेज देंगे। ठीक है, अभी तो खैर इंडिया में बन रहा है, उसकी असेंबलिंग भी इंडिया में हो रही है, बट वो लोग ऐसा करते हैं। ठीक है ना, तो प्रिडिक्शन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पास्ट डेटा। ठीक है ना, तो पास्ट डेटा हमें इसलिए भी हेल्प करता है। ठीक है ना, तो दीज आर द 6 एडवांटेजेस दैट वी हैव डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड दीज एडवांटेज ऑफ क्वांटिटेटिव अप्रोच टू मैनेजमेंट। क्वांटिटेटिव अप्रोच अगर हमारा मैनेजमेंट का रहेगा तो उससे क्या क्या फायदे होंगे। अब कुछ चीजें मैं आपको और बता दूं, ये जो हमारा चैप्टर है एमसीयू 22, ये एक मैथमेटिकल चैप्टर है, यहाँ पे सम्स भी बनाने होंगे। ठीक है, पर मैं जहां तक एनालाइज कर पाया हूँ, एमसीयू 21 का पेपर पहला बार तो अभी तक रिलीज हुआ नहीं है, 21, 22, 23, 24 अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, बट इसी सब्जेक्ट का सेम नाम से डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में ये कोर्सेज चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इसका नाम है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन, सेम सब्जेक्ट एमबीए के कोर्स में भी होता है। तो वहां से मैंने कुछ चीजें यू नो डेटा वहां से निकाल करके, बुक्स निकाल करके वहां से मैं इन सारे नोट्स को तैयार कर रहा हूँ। तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें सवाल भी होंगे साथ ही साथ थ्योरी भी होंगे। ठीक है, तो जो मैं एनालाइज कर पाया हूँ, 100 मार्क्स में 80 मार्क्स जो है आपके थ्योरी होने वाले हैं, 20 मार्क्स का सम होगा। ठीक है, सम और भी होंगे, बट टोटल 8 क्वेश्चन जैसे होते हैं, उसमें से कम 7 या 8 क्वेश्चन होते हैं, 7 भी हो सकते हैं, उसमें 4 क्वेश्चन कम से कम आपको थ्योरी का मिलेगा। तो हमारा टारगेट मेन थ्योरी होना चाहिए, क्योंकि सम्स डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है, थोड़ा टफ भी आ सकता है, सम्स भी हम लोग करेंगे, लेकिन सम्स में मुझे उतना ज्यादा भरोसा नहीं है। थ्योरेटिकल हम लोग कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कर सकें, ताकि सम्स के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। सम्स भी हम लोग कर लेंगे ताकि थोड़ा बहुत यू नो वहां पे अटेम्प्ट कर सकें, अगर सवाल कंप्लीट भी नहीं हो पाता तो कम से कम अटेम्प्ट तो कर ही सकते हैं। क्वांटिटेटिव अप्रोच में कुछ कुछ सम्स ऐसे हैं जो कि साइंटिफिक लेवल के हैं, मतलब कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इस तरह का टॉपिक भी मैंने देखा है इसमें। अब उसको इसमें इंक्लूड फाइनली जब ये लोग रिलीज करेंगे तो करेंगे या नहीं मुझे नहीं पता, बट अगर करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हमें होगी। ठीक है, क्योंकि मैं भी भूल गया हूँ, टू बी ऑनेस्ट मैं भी भूल गया हूँ। स्टैटिस्टिकल मेथड, स्टैटिस्टिक्स थोड़ा बहुत मुझे याद है, वो मैं करवा दूंगा, लेकिन अगर मैथमेटिक्स इसमें घुसा तो थोड़ी हमें दिक्कत होगी। तो मेरा फोकस ये होगा कि मैं थ्योरेटिकल पोर्शन आपका कंप्लीट करवा दूं, ताकि इन फ्यूचर जब भी आप एग्जाम दो तो आपको इस पेपर में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, तो उसी माइंडसेट के साथ आप कर सकते हो, या अगर आप मैथमेटिक्स की कहीं ट्यूशन लेना चाहो तो आप कर सकते हो, बट एमकॉम के लिए मैथमेटिक्स का ट्यूशन मिलना काफी मुश्किल है। और बेस्ट पॉसिबल वे आई थिंक मेरे लिए यही होगा, या आप लोगों के लिए भी यही होगा, कि हम लोग थ्योरी के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करें, सम्स भी करेंगे थोड़े बहुत, कुछ सेलेक्टिव सम्स भी कर लेंगे, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे उन सबको कर लेंगे, ताकि उससे रिलेटेड उस टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो हम उसको अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, सो दिस विल बी माई यू नो सजेशन। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मिलता है अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय, थैंक यू।